मानव शरीर को विभिन्न प्रकार की त्वचा समस्या से निपटना पड़ता है, जिनमें से कुछ सामान्य होते हैं जो मौसम के परिवर्तन और गलत आहार के कारण होते हैं, जबकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो समाज में असहजता पैदा करती हैं और व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के शरीर पर व्हाइट स्पॉट होते हैं, जिन्हें आम भाषा में सफेद दाग भी कहा जाता है। इस समस्या से आज के समय में काफी लोग जूझ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सफेद दाग शरीर में हार्मोनल परिवर्तन और गलत खानपान के कारण हो सकता है। यानी सभी की बीमारियों की रक्षा करने वाला हमारा कवच है ये। बाह्य वातावरण और अंदर के वातावरण के बीच एक बैरियर है। डायरेक्ट हमारे इन्फेक्शन को रोकता है, डायरेक्ट हवा को रोकता है, डायरेक्ट जो है जो इन्फेक्शन केमिकल होते हैं उनको हमारे शरीर में पहुंचने से स्किन रोकती है। आजकल का जो दौर है हमारे बच्चों में, जो युवा पीढ़ी है उसमें जंक फूड्स का चलन बढ़ा है, और जंक फूड का चलन बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। उनको छोटी उम्र में ही मुहासे ज़्यादा निकलना, दाग धब्बे होना या दूसरे पसीने ज़्यादा होना, और सोरिएसिस, एक्जिमा, ये सब जो है इनके कोई से काजेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है हो रहे हैं। जहाँ तक काज की बात करें तो स्किन में तीन तरह की, चार तरह के, दो तरह के मेन काज हैं। एक तो ऐसे स्किन की डिजीजें होती हैं जिनकी काज अननोन है, कि कोई कारण नहीं है, जैसे एक्जिमा है, सोरिएसिस है, सफ़ेद दाग है, इनका कोई कारण नहीं है। खान पान से बढ़ तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई कारण कहा जाए तो डायरेक्ट कोई कारण नहीं। दूसरा ऐसे हैं जो इन्फेक्शियस हैं, इन्फेक्शन से फैलने वाले हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गया आपका, वायरल इन्फेक्शन जैसे जो है चिकन पॉक्स हो गया वो, और दूसरा फंगल हो गया, वायरल हो गया, बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के द्वारा ये जो है इन्फेक्शियस है, एक दूसरे से फैलते भी हैं। स्किन से स्किन जब रगड़ते हैं तो उनसे ये फैल जाते हैं, या आप उसके संपर्क में जाते हैं, कुछ तो ऐसे इतने तेज होते हैं कि आप दूसरे कमरे में भी होंगे तब भी फैल जाए, जैसे चिकन पॉक्स। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, घर में एक को हो गई तो दूसरे को फैल जाए, आपको खुजली हो गई, इसके बीज जिसे बोलते हैं, ये भी बहुत तेज़ी से एक को हो गई, अगर दो उसके संपर्क में जितने आएंगे सबको जो है खुजली हो, तो इन्फेक्शियस भी है। और दूसरे जितने जिनका काज रोन नहीं वो नॉट इन्फेक्शियस है, एक्जिमा है, सोरिएसिस है जो है, और जिसे आप सफ़ेद दाग कहते हैं, समाज में इसका ज़्यादा ज़्यादा बुरा प्रभाव होता है। इन्फेक्शियस एक दूसरे में फैलते नहीं, लेकिन लोग जो है इस एक दूसरे से परहेज करने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ इसमें थोड़ा कृच साथ देर से ठीक होने वाले या ज़्यादा दिन तक दवा करने, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होने वाले हैं, ठीक होते हैं। और हमारे यहाँ स्किन की क्लिनिक चलती है, हमने खुद ठीक किए हैं, और यहाँ की क्लिनिक के लिए सफ़ेद दाग भी ठीक होता है, तो रेसेस भी ठीक होता है और एक्जिमा भी ठीक होता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि बचाव सबसे अच्छा तरीका है, और पुराने के खान पान के तरीके में और आज के खान पान में, आज के लाइफ स्टाइल में देखें तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ा है, एक ये हो गया। दूसरा ये कि जो है यूज हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा मीठे का प्रयोग हो गया, खट्टे का प्रयोग हो गया, तो जब हम विरुद्ध आहार विहार का ये सेवन करते हैं, जैसे पनीर हो, जो लोग ज़्यादा पनीर खाते हैं रेगुलर, दूध का और नमक का एक साथ प्रयोग जो है वो कुष्ठ का, स्किन डिजीज का कारण है। और आज जो हमने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जिन स्किन डिजीज बहुत, और क्या है घर में रोज़ पनीर का पराठा बनता है, रोज़ पनीर, एक पनीर साहब इनको बहुत प्रिय है, पनीर प्रिय होने के कारण ये। और या चार, एक पेशेंट ये आया जिसका सफ़ेद दाग ठीक हो गया था, लेकिन उससे दोबारा हो गया, दोबारा हो गया, तो पूछा गया कि आपने क्या खाया। खाने तो सब बताते, साहब ठीक है जो घर में खाना बनता हो खाया, क्या खट्टा खाया, सिरका खाया, अचार खाया, सिरका साहब बहुत जम के खाया,
उसका वर्ड ये था कि बहुत जम के खाया और उसी के बाद, तो ये सब काज, ज़्यादा दही का सेवन, जो लोग जिनको साथ साथ में हो गई दही ठीक है, जिनको साथ नहीं है बहुत ज़्यादा दही खाते हैं, बहुत खट्टी दही खाते हैं तो उससे भी हो जाती है, सिरका का, अचार का, पनीर का इनका सेवन, या कब्ज करने वाली जो चीज़ें हैं वो खाते हैं तो उनका जो है।